प्रक्रिया है जब चंद्रमा जो होता है धरती के काफ़ी करीब आता है, प्रतीत होता है, उसकी ऑर्बिट जो होती है धरती के करीब झुकाव अधिक होता है, और नॉर्मल कोर्स में जो चंद्रमा हमें जो आकार दिखाई देता है उससे ज़्यादा उसका दिखाई देता है। अभी 19 मार्च को जैसे सुपर मून होगा तो करीबन 14% ज़्यादा दिखाई देगा। अब इसके क्या इम्पैक्ट होते हैं धरती पे, किस तरह से इसका हम आंकलन करते हैं ज्योतिष द्वारा, तो हम हमेशा बोलते हैं सुपर मून हो या फिर एक्लिप्स हो, ऐसी कोई भी नेचुरल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो ब्रह्मांड में होती हैं या हमारे सोलर सिस्टम में होती हैं, हम उसको देते हैं एक कहीं ना कहीं पे उसका इम्पैक्ट बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर से, अर्थक्वेक से, या सत्ता पलट उलट फेर, स्टॉक मार्केट्स में अप्स एंड डाउन्स होने से, इस तरह के कोई भी इंडिकेशंस होते हैं वो इस तरह की अननेचुरल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो नेचुरल फिनोमिनाज होते हैं उनके द्वारा होता है। अभी 19 मार्च को जैसे चंद्रमा पास में आ रहा है तो यहाँ पे हमने देखा कि सुनामी भी, अर्थक्वेक हुए जापान में, ऐसा क्यों हुआ? ये भी एक कारण है। जब हम सिस्मोलॉजिकली देखते हैं, जियोलॉजिकली देखते हैं, तो दुनिया जो है अर्थ है 9 टेक्टोनिक प्लेट से डिवाइडेड है। जब भी दो टेक्टोनिक प्लेट्स का प्रेशर एक दूसरे के ऊपर पड़ता है ज़्यादा, तो वहाँ पे दे ऑलरेडी इन दैट पॉइंट ऑफ कॉलिजन, तो वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है और इसी तरह की कोई एक्टिविटी और आकर के प्रेशर जोन कर देती है, तो ऑटोमेटिकली आपके अर्थक्वेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हमारी एक कहीं ना कहीं पे एक हमारी रिक्वेस्ट है साइंटिस्ट से भी कि जब भी एस्ट्रोलॉजिकली हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, क्यों ना हम मिल करके, एक साथ मिल करके दुनिया को इस तरह की त्रासदियों से बचाया जाए, एक अहम को ना ला करके कहीं एक बैलेंसिंग फॉर्म लेके आ जाए। क्योंकि अगर आप पास्ट हिस्ट्री में भी देखें, जब भी सुपर मून आकर हुए हैं, जब भी एक्लिप्सिस होकर हुए, इस तरह की कोई ना कोई एक्टिविटीज जरूर हुई हैं। और अगर हम जापान में बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन का जोन है, यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स ऑलरेडी बहुत ही सेंसिटिव जोन में है, तो यहाँ पे हल्का सा भी असर होता है तो वो अभी है। और अभी 19 तारीख को सुपर मून हो रहा है, आप देखिए हम अभी भी बोलेंगे केयरफुल रहने के लिए, क्योंकि आने कोस्टल एरियाज को ध्यान देने के लिए, आसपास के एरियाज जो हैं वो काफी सेंसिटिव हो सकते हैं, काफी इस तरह की चीजें आती है, सत्ता पलट के भी यहाँ पे योग होते दिखाई देते हैं, स्टॉक मार्केट्स की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। क्या सुपर मून से हम लोगों को डरना चाहिए? देखिए, डरने की बात, जब हम बात करते हैं सुपर मून का, ये जनमानस को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, इंडिविजुअल एज अ पर्सन कम करती है जनमानस, तो इसीलिए हम बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, आगजनी हो गया, अर्थक्वेक्स हो गया, इस तरह की चीज़ें। डरने की बात जो है, देखिए तो नेचुरल फिनोमेना, अगर हम पहले से ही, यू नो, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, अगर हम पहले से ही तैयार रहें, पहले से ही इस तरह की चीज़ों के बारे में सावधानी बरतें, और ये पहले से मेरा मतलब होता है कि ये तो हर 18-20 साल में प्रक्रिया होती रहेगी, लेकिन अगर हम पहले साइंटिफिक तौर पर, एक जियोलॉजिकल तौर पर इसकी तरफ से अपने को सेफ गार्ड करें, तो ज़रूर हम इस चीज़ से बच सकते हैं, इसमें डरने की फिर कोई बात नहीं। नहीं, रोज़ा लग जाएगा।